किया था नॉटरडेम एकेडमी जी जमालपुर से जी, और आठवीं क्लास में जी, उसके बाद मैं आया नौवीं दसवीं जी, थोड़ा जी जी नौवीं दसवीं जी 11-12 जी बीएससी कहाँ से सर? टाउन इंटर कॉलेज टाउन डिग्री कॉलेज जी, और उसके बाद मैं चला गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से मैं लॉ जी प्रथम प्रयास में ही बिहार में ईपीएस में सिलेक्ट हो गया जी, वहाँ से रिजल्ट किया जी, और बिहार में मैं 6-7 जिले का एसपी रहा जी, डीआईजी रहा जी, मैं 3 पद पर आईजी रहा जी, और उस दौरान मैंने झारखंड ऑप्ट किया जी, सन 2000 में जो बंटवारा हुआ झारखंड और बिहार का जी, मैं झारखंड चला गया जी। सर मिशन में आप सर बहुत चर्चाओं में रहे उस समय, आपने बहुत सारे मिशन को पुलिस का मिशन ऐसा है जी, सुनाम और दुनाम चर्चा होता ही रहता है जी जी, लेकिन अंत में सामने आ जाता है क्या सही और क्या जी, तो मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ जी, जो सही होता है वही होता है जी, किसी के हल्ला करने से और किसी के चिल्लाने से और उसका प्रभाव नहीं। सर आपके काम से कम जो सफ़र रहा, उस सफर में बहुत सारी चुनौतियाँ भी आ रही हैं जी, तो उसको आपने कैसे देखा था? देखिए पुलिस की नौकरी में 3 चुनौती है जी, जान जाने का जी, नौकरी जाने का जी, और तीसरी चुनौती है आप नौकरी जा सकती है, आपका जान जा सकता है जी, और आपकी छवि धूमिल की जा सकती है जी, ये तो जी, लेकिन यदि आप सही हैं जी तो ये कोई भी प्रयास किसी का सफल नहीं जी। हाँ ये जरूर है कि पुलिस डिपार्टमेंट में रख करके मुख्यमंत्री या सरकार के बात न मानना के अगेंस्ट में अगर न्यायिक कार्य करते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ देर के लिए दिक्कत होगी। और पुलिस सर्विस में मैं एक बार बता दूं, मेरा अपना अनुभव रहा है 35 सालों का, कोई कुछ नहीं कर सकता है सिवाय आपका स्थानांतरण लंबाई के, और किसी पुलिस पदाधिकारी पर स्थानांतरण का क्या प्रयास है, क्या प्रभाव है? या तो हम CID में रहें या डिस्ट्रिक्ट पुलिस में रहें या PC में रहें, लेकिन आदमी को वही करना चाहिए जो सही है, और जो आपको नहीं पसंद करते हैं वैसी सरकार भी आपको कहीं ना कहीं स्थान देगी पदस्थापित। तो एक सवाल और हो सकता है, अब जब आपने अमिताभ ठाकुर का जी का नाम चर्चा होता होगा, तो सर्विस ठाकुर जी को मैं जानता हूँ जो बलिया SP थे जी, और हमारी कई बार उनसे मुलाकात जी, अमिताभ ठाकुर जी के बारे में जो अभी देखे होंगे दिनों बाद जी, शुरू के दिनों में तो मेरे संपर्क उनसे थे जी, लेकिन बाद में मैं उनसे संपर्क नहीं रहा जी, तो अब क्या बातें थी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, बारीक बातें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, सही और गलत को जज करना थोड़ा आसान नहीं जी, तो मैं जानता हूँ अमिताभ ठाकुर की ईमानदारी में कोई शक नहीं जी, उनकी सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी कारण से उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया हो जो न्यायोचित ना हो, मैं नहीं जानता जी, और हो सकता है कि उन्होंने वही कार्य किया हो जो न्यायोचित है और उनकी परेशानी जी, अमिताभ ठाकुर जी के बारे में नहीं कर पाऊँगा जी, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों संपर्क में जी। अच्छा एक सर सवाल आओ, ऐसी घटनाएं पुलिस अफसरों के साथ कई स्टेट में होती है। एक और बस एक सवाल सर, और चूँकि आप जिले के हैं सर, बलिया के हैं, और जिसे आपने बताया कि बलिया में हमने शिक्षा लिया, तो आपको भी जानकारी में होगा कि इसी जिले के इसी माटी से और भी IAS IPS किसी न किसी देश के कोने में होंगे, कुछ जानकारी है क्या? देखिए कुछ तो है लेकिन वर्तमान मुझे स्मरण नहीं आ रहा जी, तो बलिया ने दिया है, जिले ने दिया है ना? हाँ बहुत दिया जी, लेकिन होता है अधिकांशतः कि लोग शिक्षा के लिए बाहर चले जाए जी, लेकिन हैं जन्मभूमि तो बलिया ही है मेरी जानकारी में है जी, स्मरण नहीं आ रहा ठीक है।